हेलो फ्रेंड्स, आज हम ताखड़ी में चीज़ को कैसे तोलते हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पे ताखड़ी ली है, इस साइड में बर्तन रखा है और इसका धड़ा कर लिया, इसका वजन कर लिया है जितना इस बर्तन में वजन है। देखो ये कर लिया है, ये सुई बराबर है, थोड़ा सा फालतू है इधर की साइड, नहीं बराबर है बिल्कुल, ये सुई बिल्कुल शुद्ध में होनी चाहिए, ये बराबर है। और अब हम जो भी चीज़ है वो इसके अंदर डालेंगे। तो हम यहाँ पर घी तोल रहे हैं, तो यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं, तो लड्डू का घी हम तोल के डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये आलू का दड़ा किया है और यहाँ पे जितना घी हम तोलेंगे, 4 किलो घी तोलेंगे, तो 4 किलो के हमने यहाँ पे बाट रख लिए है। और ये है हमारा देसी घी जो कि मम्मी ने बहुत दूर से मंगाया है, और यहाँ पे हमने बाट रख लिया है, और दड़े के लिए हमने आलू रख लिए है। और भाई यहाँ पे घी का भाव हो चुका है 1200 रुपए किलो घी। ये शुद्ध देसी घी है, एकदम प्योर घी, जो डब्बे का आता है वो 500-600 रुपए किलो मिल जाता है, बट इसकी कीमत है 1200 रुपए किलो घी, पर ये एकदम शुद्ध घी है। और जो लड्डू बनते हैं वो इन्हीं के बनते हैं, एक नंबर के लड्डू बनते हैं। मम्मी उठाऊ, और यहाँ पे मम्मी लड्डू के लिए तोल रहे घी। ये हमारा ज़्यादा गल चुका है और ये इतना महंगा है, तो मम्मी हमारे है ना लड्डुओं में वो बिल्कुल भी फालतू घी नहीं डालेगी, बिल्कुल तोल के ही डालेगी 4 किलो। मम्मी जिन जो उरे ना है जिनका लड्डू बनना है ना उनकी कमती कर ली, मेरा फालतू ये नहीं। अब देखो हट बेटा, पन्नो हट जा। अब देखो अब ये घी बराबर हो चुका है, देखो बिल्कुल। तो इस तरह से कोई भी चीज़ है इस तरह तराजू ताखड़ी में पहले तोली जाती थी, आजकल दुकानों पे वैसी चीज़ें जो मशीन वाली वजन करने की आती है उनमें करते हैं, लेकिन पहले सब ऐसे ही तोल के देते थे। और जो घर है, गाँव के घर है, उनमें आज भी इसी तरह से तोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा घी तुल चुका है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।